वो बिल्ली बैठी है, बिल्ली है, क्या पता क्या टारगेट लगा के बैठी है, एक तरफ देख रहा है अपने टारगेट पे, एक देखो अपने तरफ देखने का नाम नहीं ले रहा है। अपन बोला करो कुछ बोलो, उसका पूरा कंसंट्रेशन आए वो यहाँ के उसको थपेड़ दे। चलते हैं उसके पास को देखते हैं क्या होता है, क्या होता है जब उसके पास जाते हैं। ठीक है, देखो बिंदास बैठी है वो, ये जाने का नाम नहीं, अब गई हो, उसको डर ही नहीं है। ये यहाँ पर रख दिए आपका, इसमें पॉली हाउस में शोषण में प्रॉब्लम आती है, तो ये पॉली हाउस का है। ठीक है, पॉलीथिन ढकी हुई थी वाली, तो पॉली अगर ढकी हुई है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, पानी वही मिला खाद वही मिला, ये पौधा ये है और ये पौधा ये है। सिर्फ आपका फ़र्क है तो सिर्फ सिर्फ बाहर का शोषण दर। ठीक है, और ये चिल्ली प्लांट है, इसमें भी इंसेक्ट बेसिक पॉली हाउस में कंट्रोल रहते हैं, लेकिन उसमें से हवा पास होना जरूरी है, जो पीछे छोड़ा जाता है उससे पौधों में वो आता है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है पॉलीथीन का उपयोग, सीट का उपयोग सिर्फ जर्मिनेशन तक ठीक है, मॉइस्चर बनाया गया रूटिंग के लिए ठीक है, बाकी उसके बाद पौधे के जीवन यापन के लिए उचित नहीं है। इस पर इल्ली का अटैक आया, हमने कल दवाई दे दी इसे, ठीक है, तो इसके लिए उचित नहीं है। टमाटो बहुत ज़बरदस्त आया, फरवरी का है, और 21 फरवरी का होगा, जनवरी का होगा, तो फरवरी और मार्च, हाँ फरवरी होगा, देखना पड़ेगा। और ये बात का है आपका, इसको 15-20 रोज 25 रोज हो गए हैं। ठीक है, और ये वाला तो काम ही नहीं देता आपका पॉली हाउस, सिर्फ जर्मिनेशन, और आपका जर्मिनेशन की बढ़िया है, उसमें हवा का संचार नहीं हो, पौधा कमजोर बनता है। आप खाद दो पानी दो कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा देने के बाद भी पौधा कमजोर बनता है, तो इसका उपयोग ना करें। और नेट हाउस भी को भी टाल दे, वो ज़्यादा नेट हाउस है, जो नेट हाउस है, नेट हाउस तो बनाना ही नहीं है, बनाना है तो आपको इंसेक्ट नेट वाला कर सकते हैं, और हवाओं के टेम्परेचर को रोकने के लिए साइड में आप साइड पर पॉलीथीन का वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दो काम कर सकते हैं गर्मी में, ये नेट हाउस में नेट में है, पौधा अगर स्वस्थ भी जाए तो बड़े नशे लाना है, नेट हाउस की बजाय इंसेक्ट नेट का उपयोग करें। ठीक है, ज़्यादा धूप की ज़्यादा शौक पौधा बनेगा और नेट हाउस पर पौधा कमजोर बनेगा, और दूसरा मतलब यही होता है जहाँ का कि उसका आपका नेट हो इंसेक्ट नेट, और उसको ज़्यादा शौक होता है, जो फूल लग गए हैं उसमें देखना, इसमें बढ़िया शूटिंग हुई है उसकी बजाय भी, और इसमें बहुत अच्छा शूटिंग हुआ है, उसको पनीर लगवा दें। ठीक है, और इसमें शूटिंग कमजोर है, शूटिंग लगे नेट में आपको कम समय लगा लेता है, बाद में उसका कम इंसेक्ट नेट रहेगी उसमें, तो आप इसमें जो ग्लास होता है इंसेक्ट नेट ऊपर डालें। ठीक है, ये वाला मोटिवेशन वाला ना डालें, और पानी का प्याप करके उसमें उपयोग शुरू करें, और ये खुले में अंतर आता इतना होगा, तो नेट हाउस बेकार वाली चीज है, तो होना तो इंसेक्ट नेट वाला होना चाहिए, जिसमें काम मिल जाए। ये वाली वाली नेट या वो सफेद वाली नेट जो आपकी काम नहीं करेगी, इंसेक्ट नेट ज़्यादा बेटर है। और इसमें क्या दिया, इसमें प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें चली ज़्यादा लगी, इसमें भी कम लगी, उसमें ज़्यादा लगी, जबकि प्लांटेशन एक ही तरीके की नर्सरी है, तो इसमें क्या दिया है वो ज़्यादा आपका करेगा, इसमें सल्फर दिया है, इसमें इंसेक्टिसाइड मिल गया है। ठीक है, या तो इसका रिक्रूट सिस्टम गोल है, और इनका इसका चपटा है, और इसका गोल है, और उसका भी गोल है, उसमें आना चाहिए, उसमें भी उसी तरीके गोल है, इसमें भी इसी तरह आना चाहिए, हाँ है तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ये है इसमें भी है, गोल में ही अंतर आ जाता है, गोल जो जब पीली आती है उसमें ही प्रोसेस में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इतना अंतर आता है, कोई मिला के दीपी वाले मुखाना है कि कम पानी ज़्यादा पानी, बस पानी देना चाहिए, कंट्रोल रहता है कितना देना है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी मुँह बना के बेची जाती है। ठीक है, तो आपको मेरी बात पर विश्वास में योग करके देखिए अपने घर, ठीक है, इस तरीके योग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वही मैं आप लगाने की तैयारी कर लो गेंदा, ताकि गर्मी में सप्लाई हो सके, और मेरी बोल टीम है उनसे पौधे बन जाएंगे। ये वाला करें, जिसमें एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को साफ करना है, तो साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें 2 ml है, इसमें एसीएल है आपका 6 ml, इसकी भी रूट से डैमेज नहीं हुई है। ठीक है, 6 ml का दिया है फिर भी सही है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं है आपका, ये देखिए आपका ये एचसीएल है, ये सिर्फ 4 ml, ये एसीएल के उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक के, और ये बिल्कि ये भी एसीएल का फिट होगा, ये ऐसे ही हो सकता था, तो एचसीएल का इफेक्ट पौधों की रूट से ज़्यादा नहीं पड़ता, और हम इसको एक बार एचसीएल को कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना था, हम देख नहीं पाए, और ये है आपका अलग प्लांट है, और मैंने आपका वो प्लांट उसको देख लो घर जाके आपका स्टेलिटी प्लांट। ठीक है, उसके बाद नर्सरी है, इसमें कोकोपीट लगा दो, इसमें कोकोपीट ड्रिप्स हम डाल देते हैं, ये कोकोपीट यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, मेनुअल 50 ग्राम प्लस कोकोपीट 200 ग्राम, ये वाला अलग एक होता है, मेनुअल 50 ग्राम वाला अलग हो गया, इसको यहाँ रख लो, देखो मेनुअल का दूसरा आ गया, इसमें क्या है, इसमें कोको इसमें मेनुअल, इसमें मेनुअल 50% है, इसमें मेनुअल 50 ग्राम है, कोकोपीट 200 ग्राम, यानी कि इसमें कम है, इसमें 50% था, इसमें 20% आ जाएगा, और ये वाला है तो सल्फर, सल्फर इसमें कलर आ जाता है, मतलब सल्फर है मेरा वर्क कलर आ जाता है। ठीक है, और ये आपका मेनुअल 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम कोकोपीट, 20 ग्राम 200 ग्राम कोकोपीट। ठीक है, ये वाला है 22 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
पूरा द्वार हो जाता है, ये ब्लॉक होगा ठीक है, ये 500 पीपीएम है और ये 1000 पीपीएम है, तो 1000 पीपीएम से पूरा द्वार में आ जाता है ठीक है। बाकी द्वार में इतने से ज्यादा इससे लॉगिंग बढ़ जाएगी और ये आपका 1
12 मार्च को रखें ये आज, ठीक है। ये कब तक रहते हैं इस ठंडाई में, और आजू बाजू से हवा ना आए, इनको छुए ना, उस क्लाइमेट में कितने दिन तक रहते हैं, और 50% इस पर धूप भी आ रहा है, तो धूप को कवर करने के लिए हम अभी ये रख देते हैं ताकि इसमें धूप को ये कवर कर पाए, ठीक है। और हमने उस तरह से इधर टूर कर दिया, उधर से आपको ठंडी गर्म हवाएँ नहीं आएंगी। इस प्रकार के क्लाइमेट में कितने दिन हम इसको बनाए रख सकते हैं? 126 ग्राम का है तो इसका एवरेज ये 65 ग्राम तक जाएगा छोटा छोटा फ्रूट्स, और इसका एवरेज आ जाएगा 65 126 प्लस 65 80 85, और ये आ जाएगा 90 ग्राम का एवरेज। अगर इस पर थ्रिप्स और माइट्स नहीं लगते हैं, इस तरह का फ्रूट्स आता है, सिमिलर है, इस पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं है। डेंटल पे था हल्का सा, ये यहाँ पर था इंसेक्ट, तो ये 90 ग्राम का औसत आ सकता है। 10 मिर्ची मतलब 1 किलो, 100 मतलब 10 किलो, मतलब कि आपका 50 मिर्ची भी ये निकलती है तो 5 किलो का आ जाता है, 25 टन का एकड़ का।
हमारे